आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार जो से कुकिंग रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो व्यूअर आज भी हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है ये है रिक्वेस्ट, मतलब हमसे रिक्वेस्ट की थी किसी हमारी बहन ने कि मुझे आप जो है पोटे बनाने सिखा दें। तो मतलब पोटे कलेजी का सालन मतलब हम लोगों ने बनाया हुआ ईद के हवाले से जो कलेजी की रेसिपी वो हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन आज जो हम लोग रिक्वेस्ट पे तैयार करने जा रहे हैं वो सिर्फ है पोट मसाला, इसको मतलब पोट मसाला कहते हैं, तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मसाले वाले जो से पोटे वो हम तैयार करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली है दो दरमियाने साइज़ के प्याज। तो दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेके हम लोगों ने इसको यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है, और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो सा है वो दो चम्मच मतलब जो से घी के वो ऐड किए हैं, और अब इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे, और उसके बाद जो सी हमारी मज़ीद रेसिपी है वो हम लोग उसको तैयार करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग प्याज़ों को ज़रा सा ब्राउन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो से पोटे मसाले वाले हम तैयार कर रहे हैं इसकी रेसिपी कैसे फाइनल होगी। हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पका रहे हैं पोटे मसाले वाले, ये देखे ना हल्के हल्के से ना ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करने, फिर ज़्यादा कर लो ना तो वो सालन में ना कुराहट सी हो जाती है, कड़वे सा हो जाता सालन, ऐसी है ज़्यादा नहीं करने। अब मैं थोड़ा सा ना लहसुन डाल दिया इसमें, ज़्यादा नहीं डालना, ये डाल के ना मैं भूनती हूँ, फिर टमाटर मैंने काटे हैं वो भी डालती हूँ। हमें किसी ने फरमाइश की थी तो हमने कहा चलो मैं बना देती हूँ आपको, अब अच्छी तरह ये मैं भुना गया, लहसुन डाल के मैंने 5 मिनट भून लिया, अब मैंने ना ये टमाटर काटे थे। तो कितने हमने टमाटर लिए हैं? 3 टमाटर लिए थे मैंने, अब ये डाल के ना अच्छी तरह भूनते हैं। क्योंकि मसाले वाले पोटे हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मसाला तैयार कर रहे हैं, तो पोटों को पहले मतलब उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए कुछ आप मतलब हाँ जी नमक डाल के ना मैंने ना उबलने के लिए रख दिए थे। ओके, तो ये है वो टिप, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि पोटों की जो सी स्मेल लगती है उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने नमक डाल के उनको पहले बॉईल कर लेना है, तो उससे जो सी वो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको फिर खाने में वो अच्छे लगेगी, आपको स्मेल से जो सी इरिटेशन वो नहीं होगी। ये टमाटर भी हमारे हो गए हैं, 2 मिनट और भून के ना थोड़ा सा पानी डाल के ना रख दूँगी, पानी डाल के ना रख दूँगी, फिर उसके बाद ना फिर बकाया काम करेंगे। तो इतने में जो से प्याज टमाटर जो थोड़ी बहुत इनमें कसर है वो भी हो जाएंगे तैयार, और फिर हमारी जो सी रेसिपी है उसका जो मसाला हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे स्टेप वन में। हाँ जी ये देखिए घी भी आ गया अच्छी तरह ना भुने गए, टमाटर भी खुशबू भी आना शुरू हो गई है मसाले में। हमें थोड़ा सा ना पानी डाल के ना रख देते हैं प्याज़ों को, जो ये है ना प्याज तो उसको ढक के रख देते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी ये मैंने पोटे भी डाल दिए, उबाले थे मैंने, तो ना अब ये पोटे डाल के ना अच्छी तरह ना भून लेते हैं, फिर मसाले वगैरह भी डाल देते हैं। तो व्यूअर्स ये वही पोटे हैं जो उनसे मम्मा ने नमक डालकर बॉईल किए थे, ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ टिप यूज़ की है वो स्मेल के हवाले से, कि कल को आप लोग ये पूछेंगे कि स्मेल की कैसे ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं इस चीज़ें बनाने से कि उनको जो सा स्मेल का वो इशू होता है, तो वो भी आपको हमने बता दिया कि आप नमक डाल के इसको बॉईल कर ले तो वो आपको जो सी है स्मेल नहीं आएगी। तो आज की जो सी रेसिपी वो हम रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, जैसा कि हम आप लोगों से कहते हैं कि ये आप लोग का चैनल है, और अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नमक भी मैंने डाल दिया रात से, तो आज रिक्वेस्ट पे ही हम लोग जो से हैं वो मसाले वाले पोटे तैयार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों ने भी कोई चीज़ सीखनी है कोई रेसिपी के हवाले से, कोई आपको मुश्किल दरपेश है, या कोई आप लोग चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। ये पानी सूख जाए ना फिर मैं ना डालती हूँ मसाले, तो पानी करते हैं रिड्यूस और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना कि मज़ेदार से जो उनसे पोटे वाले मसाले हैं जब हम आपके साथ शेयर करें उसकी रेसिपी को वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची डाली 1/4 चम्मच मैंने, बाकी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जीरा डालूंगी मैं, थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, अब अच्छी तरह ना भूनती हूँ उसे, क्योंकि हमने रखे मसाले वाले, अब अच्छी तरह भून के ना 5-6 मिनट
ये जो मसाले की भी है ना कच्चा पना, वो भी ठीक हो जाएगा मसाले का। इसे भूनने से ना इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी भुना है, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, कलर जो है वो भी चेंज हो गया है और जो सा घी है वो भी आ गया है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और जिस सिस्टर ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी उनको भी इजीली समझ कर दिया होगा और वो भी हमें अपनी फीडबैक दे, क्योंकि रिक्वेस्ट पे हमने जो सी आज की रेसिपी बनाई है वो तैयार करके अपने घर वालों को खिलाएं और हमें अपनी फीडबैक दें। हमारे इधर बाज़ार में भी मिलते हैं ये पकेड़े मसाले वाले होते हैं। हाँ जी, तो अब ये मामा हो गया। हाँ जी बेटा, अब ना निकाल के ना दिखाते हैं हमें। ठीक है, तो व्यूवर्स ये हो गया है तैयार, तो इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। व्यूवर्स, जो से हमारी आज की रेसिपी है हो गई तैयार और गर्मा गर्म सालन हमने कर दिया है डिश आउट, तो आप लोगों को होपफुली पसंद आएगा हमारा आज का गुमसा, हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। हम इसकी फीडबैक दें और उसकी लुक को आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है। तो व्यूवर्स, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन के साथ जुड़े रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो काइंडली वहां पर हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, फिर ताकि आपको जो सी बाद में मुश्किल होती है कि आपने यहाँ पर क्या शामिल किया था या यहाँ पर कैसे बनाया था, हमारी ये गलती हो गई, ये काम ख़राब हो गया, फिर आप इस तरह की जो सी मुश्किल आता है उनसे बचे रहेंगे और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें दुआ में याद रखिएगा और हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।